तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ऐसा जुगाड़ ट्रिक बताऊंगा कि आपके पास कोई भी बाइक का बैटरी हो या फिर यूपीएस की बैटरी हो, वो 12 वोल्ट की जो भी सारे बैटरी होता है उसको चार्ज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको चार्ज करने के लिए हमें 12 वोल्ट से ऊपर के चार्जर चाहिए, यानी कि जो चार्जर में 12 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज आ रहा होगा वो चाहिए। तो वो हमें अपने घर पर ही मिल सकता है। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में एक टीवी ज़रूर होगा, उस टीवी को जो हम चलाते हैं तो सेट टॉप बॉक्स चाहिए, और वो सेट टॉप बॉक्स को पावर सप्लाई देने के लिए इस प्रकार के अडाप्टर दिया जाता है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आपको अपने टीवी की जो बोर्ड होता है वहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर टीवी की जो प्लग दिया जाता है आपके घर में वहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी इस प्रकार की अडाप्टर मिल जाएगा। ये मेरे पास एयरटेल डीटीएच की मिला है, क्योंकि हमारा घर में एयरटेल की सेट टॉप बॉक्स है। आपके घर में कोई भी कंपनी का होगा तो उस कंपनी का अडाप्टर आपको मिल जाएगा। तो ये अडाप्टर में आप लोग देख सकते हो लिखा गया है कि ये हमारा 12 वोल्ट आउटपुट देगा और 2 एम्पीयर की करंट देगा, यहाँ पर वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। तो ये सभी अडाप्टर इस प्रकार की होता है, 12 वोल्ट आउटपुट देता है और 2 एम्पीयर की करंट देता है। तो इस प्रकार से इससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इसका बहुत ही लंबा वायर दिया जाता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसका वायर को कट कर दिया हूँ। यहाँ पर एक पिन दिया जाता है, उसको मैंने कट कर लिया हूँ। क्यों कट किया हूँ आपको बताता हूँ। मैंने इस बैटरी को डायरेक्ट इस प्रकार से चार्ज करूँगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया हूँ। लेकिन आपको इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका पिन होता है वो इस प्रकार की होता है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ से कट कर दोगे तो आपका टीवी भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस डायरेक्ट वायर से वो टीवी नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार की पिन चाहिए। तो ये पिन को आपको ऐसे यहाँ पर रहने देना है, और यहाँ पर आपको ये पिन की एक जुगाड़ करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक इस प्रकार की हमारा फीमेल कनेक्टर आता है। इसको पिन को अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर दो वायर आपका निकल जाएगा। तो ये दोनों वायर से आप यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव पर लगाओगे तो ये हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो ये कनेक्टर आपको 5-10 रुपये में मिल जाएगा लोकल मार्केट में। आप जाकर इस प्रकार से बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर तो मैंने इसको कट कर लिया हूँ, तो मैंने डायरेक्ट इसको चार्ज करके दिखाऊंगा बैटरी को। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इस अडाप्टर की वोल्टेज को मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना आए कि ये हमारा 12 वोल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लिया हूँ, और मल्टीमीटर के दोनों प्रूफ को यहाँ पर वायर में लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा मल्टीमीटर में कम्प्लीट 12 वोल्ट आ रहा है, एक भी वोल्ट इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा अडाप्टर 12 वोल्ट देता है, आपको प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आपको दोनों वायर को जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, उसको इस मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये छोटा सा वायर हमारा नेगेटिव है, बड़ा वायर हमारा पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव को हम बैटरी के पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव को हम बैटरी के नेगेटिव में लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों वायर को हटा लेता हूँ, ये बैटरी का वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैंने आपको चार्जिंग करके ये बैटरी का वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा चार्जिंग नहीं हो रहा है अभी बैटरी, यानी कि चार्जिंग नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा 11.76 वोल्टेज है बैटरी में बिना चार्जिंग के। तो अभी मैंने यहाँ पर इसका वायर को लगाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा अडाप्टर की वायर है, तो इसको मैंने इस प्रकार से बैटरी की दोनों टर्मिनल में लगा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको ध्यान देना है, अगर आप उल्टा सीधा लगाओगे तो बैटरी ख़राब भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाइए, नेगेटिव पर नेगेटिव लगाइए। तो अभी मैंने यहाँ पर दोनों वायर लगा लिया हूँ, और अभी चलिए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी हमारा मल्टीमीटर में वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा बैटरी चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग के टाइम में हमारा जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि इसका संकेत देता है कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी हो या फिर यूपीएस की बैटरी हो, उसको आराम से चार्ज कर पाओगे अपनी जो टीवी की डीटीएच की अडाप्टर होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।